Hey guys, welcome back to my channel. तो पिछली वीडियो में मैंने एडिशनल क्वेश्चन बैंक का सम नंबर 15 तक खत्म किया. आज मैं सम नंबर 16 से कंटिन्यू करूंगा. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में छोटा सा बेल आइकन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे. तो गाइस चलिए नंबर 16 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन 16 में दिया है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 7x² - 3x प्लस 8 - x-1/2 प्लस x-1 प्लस x-2. ये बहुत इजी है, बस थोड़ा लंबा है, करते हैं इसको. सो ये हो जाएगा 7 x²dx - 3 x-x dx - 8 x-dx - x-1/2 dx + x-1 dx + x-2 dx. सो ये हो जाएगा 7 x²2 का होता है x²³/3 - 3x, x का हो गया 2/2 प्लस 8x हो गया ये, -x²-1/2 प्लस 1 मतलब हाफ, और ये होल डिवाइड बाय 1/2 होता, सो ऊपर लेके आ गया मैं 2 प्लस ये जो x²-1 है इसको मैं नीचे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा dx/x. तो ये हो गया log x प्लस x²-2 प्लस 1 मतलब x²-1 होल डिवाइड बाय -1 प्लस c. सो हमारा आंसर आ जाएगा 7/3x³ - 3/2x² + 8x - 2x²-1/2 + log x - x²-1 + c. ये हमारा क्वेश्चन 16 का आंसर है और ये है ऑप्शन ए. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. क्वेश्चन 17 में दिया है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स x²-1 (ax³) + bx² + cx + d. सो इसको करते हैं आप, ये हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करता हूँ x²-1 सबसे, ये हो जाएगा ax² + bx + c x²-1 - 1 = 0 x²-0 = 1 हो गया प्लस dx²-1 dx. सो ये हो जाएगा a(x²dx) + b(dx) + c(dx) + d(x²-1 dx. ये हो गया ax³/3 + bx²/2 + cx + d. अब ये x माइनस वन है सो एक स्टेप दिखाई देता हूँ आपको, ये हो जाएगा dx/x. सो इसको लिख देंगे हम ax³/3 + bx²/2 + cx प्लस ये हो जाएगा d log x + c. सो क्वेश्चन 17 भी हम सॉल्व कर लिए और इसका आंसर है ऑप्शन ए. चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. क्वेश्चन 18 में दिया है, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स x²-3, 4x²-6 + 3x²-5 + 2x²-4 + x³+x²+1. इसको करना है, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं x पूरा इसमें, सो ये हो जाएगा 4x³+3x² + 2x + 1 + ये हो गया x²-1 + x²-3 dx. अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 4 x³dx + 3 x²dx + 2 x dx + dx + dx + अब -1 power है इसका तो मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार में by x प्लस x²-3 dx. सो ये हो जाएगा 4x²/4 + 3x²³/3 + इसका होगा 2x²/2 + x + log x. और ये है x²-3 - 3 + 1 - 2. सो ये हो जाएगा प्लस x²-2 - c.
सो यहाँ 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस log x माइनस x टू द पावर माइनस 2 बाई 2 प्लस सी। सो क्वेश्चन 18 भी हम सॉल्व कर लिए हैं और इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलते क्वेश्चन 19 पे। क्वेश्चन 19 में दिया है इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टू द पावर x प्लस 1 बाय 2 e टू द पावर माइनस x प्लस 4 x टू द पावर माइनस 1 माइनस x टू द पावर माइनस 1 बाय 3। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x हो जाएगा 2 टू द पावर x होल डिवाइडेड बाय log 2 माइनस, अब माइनस क्यों हुआ है, e टू द पावर माइनस x का जब इंटीग्रेशन होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, सो माइनस 1 बाय 2 e टू द पावर माइनस x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x ले लेंगे इसको, सो ये हो जाएगा log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1 बाय 3। ये लिख के दिखा देता हूँ, x टू पावर माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया 2 द पावर x बाय log 2 माइनस e टू पावर माइनस x बाय 2 प्लस 4 log x, ये हो जाएगा माइनस x टू द पावर 2 बाय 3 होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 ऊपर आ गया 3 प्लस सी। सो हमारा क्वेश्चन 19 भी खत्म होता है और इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन 20 पे। सो क्वेश्चन 20 करते हैं अब। क्वेश्चन 20 में दिया है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x 4x प्लस 5 टू द पावर 6, इसको हमें करना है। सो जब भी आपको ऐसे दिया रहे सम तो आप याद रखिए जो x का कोएफिशिएंट है वो हम डिनोमिनेटर में सबसे पहले लिख देंगे और फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसको पूरा एक टर्म अज्यूम कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 टू द पावर 6 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6 प्लस 1 प्लस सी, x टू पावर n का फॉर्मूला हो गया पूरा। सो ये हो जाएगा 1 बाय 4 4x प्लस 5 टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 7 प्लस सी विच इज इक्वल टू 1 बाय 28 4x प्लस 5 टू द पावर 7 प्लस सी। सो ये आपका आंसर क्वेश्चन 20 का और ये है ऑप्शन ए। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 21 से मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 21 कंटिन्यू करूंगा। तो मिलता हूं मैं आप सभी से अगले वीडियो में।